डीएनए में अब हम भारत पर कीचड़ उछालने वाली वेस्टर्न मीडिया की दूषित सोच का एक विश्लेषण करेंगे। ये हमारी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक के तहत सच्चाई को आपके सामने लाने का एक प्रयास है। आपने बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ये संस्था खुद को दुनिया की सबसे ईमानदार न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बताती है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी खबर आई है जो ये बताती है कि कैसे बीबीसी ने अपनी आंखों पर भारत विरोधी एजेंडे वाला चश्मा लगाया हुआ है। और ये खबर उन लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए जो विदेशी चैनलों पर आंख और दिमाग बंद करके भरोसा कर लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बीबीसी की एक रिपोर्टिंग को निहायत गलत बताते हुए उसके प्रोड्यूसर और कॉरेस्पोंडेंट को ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया है। दरअसल बीबीसी के साउथ एशिया कॉरेस्पोंडेंट जस्टिन रॉलेट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है आवर वर्ल्ड किलिंग फॉर कंजर्वेशन। इसे 11 फरवरी को बीबीसी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था और बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण इसी हफ्ते के अंत में होने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री में काजीरंगा टाइगर रिजर्व में भारत सरकार की अवैध शिकार विरोधी रणनीति की चर्चा की गई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अवैध शिकार के नाम पर वहां के लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। डॉक्यूमेंट्री में यह दावा किया गया है कि वन रक्षकों को शूट एंड किल का अधिकार दिया गया है, जबकि सीआरपीसी की धारा 197(2) के तहत वन विभाग के कर्मचारियों को मुश्किल परिस्थितियों में ही शिकारियों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया गया है कि शिकारियों द्वारा जितने गैंडों का शिकार हुआ है उससे ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक पिछले वर्ष यहां 17 गैंडों की जान गई थी और 23 लोगों को मारा गया था। डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी देते हुए अपने आर्टिकल में जस्टिन रॉलेट ने यह दावा किया है कि वर्ष 2014 से अब तक सिर्फ 2 घुसपैठियों पर मुकदमा चलाया गया, जबकि 50 लोगों को गोली मारी जा चुकी है। जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में शिकार करने वाले 226 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 6 को दोषी पाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद बीबीसी को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के मुताबिक जस्टिन रॉलेट और बीबीसी ने अपने डॉक्यूमेंट्री को पर्यावरण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पास प्रीव्यू के लिए भेजने से पहले इसे प्रसारित कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। एनटीसीए ने इस डॉक्यूमेंट्री को तत्काल प्रभाव से सभी ऑनलाइन पोर्टल से हटाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन से इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। एनटीसीए ने दावा किया है कि बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाजत मांगी थी तो उस वक्त जो कहानी बताई गई थी वो टेलीकास्ट की गई डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल अलग थी। मंत्रालय का दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से वन्य जीवन अपराधों और खासतौर पर अवैध शिकार को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें गलत तस्वीर पेश की गई है। बीबीसी ने एक अंग्रेजी अखबार को ईमेल भेजकर दिए गए अपने जवाब में कहा है कि इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि किस तरह से भारत ने वन्य जीवों को बचाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है। बीबीसी ने अपनी सफाई में यह भी लिखा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में नेशनल पार्क के आसपास रहने वालों की जिंदगी को दिखाया गया है, लेकिन अब मैं आपको गैंडों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिसका जिक्र इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं पर नहीं किया गया है। भारत सरकार ने काजीरंगा टाइगर रिजर्व में गैंडे को बचाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए फ्रेंड्स फॉर राइनो नामक संगठन बनाया गया, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए स्थानीय निवासियों की मदद ली जाती है। राज्य सरकार की सलाह पर शिकार के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की मदद भी ली जाती है। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आई सर्विलांस सिस्टम की मदद ली जाती है। कुल मिलाकर इस मामले ने एक बार फिर से बीबीसी सहित पूरे पश्चिमी मीडिया की दूषित सोच को उजागर कर दिया है। वैसे तथ्यों को घुमा फिराकर इस्तेमाल करने में और अपना एजेंडा चलाने में बीबीसी को महारत हासिल है। वो भारत को अपमानित करने का एक भी मौका अपने हाथ से कभी जाने नहीं देता। आपने नोट किया होगा, और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको आज याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कि निर्भया कांड को लेकर बीबीसी ने एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें निर्भया के बलात्कारी का इंटरव्यू शामिल था। और इस डॉक्यूमेंट्री में निर्भया का बलात्कारी ये ज्ञान दे रहा था कि लड़कियों का आचरण इस देश में कैसा होना चाहिए।
इस डॉक्यूमेंट्री की काफी आलोचना हुई थी, यहाँ तक कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर लेजली अडविन ने अपने एक इंटरव्यू में भारतीय समाज को बीमार समाज भी कहा था। इतना ही नहीं, बीबीसी ने भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों का देश कहकर भी अपमानित करने की कोशिश की थी। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। इस वीडियो का शीर्षक दिया गया व्हाट हैपेंड टू इंडियाज स्नेक चार्मर्स यानी भारत के सपेरों का हुआ क्या। लेकिन यहां हम स्पष्ट रूप से पश्चिमी मीडिया को यह कहना चाहते हैं कि बीमार हमारा समाज नहीं बल्कि उनकी सोच है, इसलिए हमने आज इस मुद्दे को आपके सामने रखा। यहां मैं पश्चिमी मीडिया के पाखंड से जुड़ी कुछ और बातें भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। अभी आप जो कार्टून देख रहे हैं ये वर्ष 2014 का है जिसमें भारत के मंगलयान मिशन की कामयाबी का मजाक उड़ाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्टून में दिखाया गया था कि एक किसान बैल को लेकर मंगल ग्रह पर पहुंचकर दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर 3-4 विकसित पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है एलीट स्पेस क्लब। उस वक्त इस कार्टून पर न्यूयॉर्क टाइम्स को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। कई लोगों ने इसे भारत जैसे विकासशील देशों के प्रति घटिया किस्म का पूर्वाग्रह बताया था। हालांकि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को इस कार्टून के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी और आज इसी अखबार को यानी न्यूयॉर्क टाइम्स को ही भारत की कामयाबी का गुणगान करना पड़ रहा है। इसरो ने कल एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके जिस ऊंचाई को हासिल किया है उसके बाद मजबूरी में ही सही, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह लिखना पड़ा इंडिया लॉन्चेस 104 सैटेलाइट्स फ्रॉम अ सिंगल रॉकेट रैंपिंग अप द स्पेस रेस। यानी आप कह सकते हैं कि भारत ने अपना बदला ले लिया है। वैसे ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने लता मंगेशकर का जिक्र करते हुए एक बार उन्हें सो कॉल्ड प्लेबैक सिंगर यानी एक तथा कथित प्लेबैक सिंगर कह दिया था। अखबार का खबर लिखने का अंदाज ऐसा था जैसे भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित लता मंगेशकर को कोई नहीं जानता और वो कोई छोटी मोटी गायिका हो। दुनिया में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं और हमारे देश के बाहर भी हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी सुविधा से अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन जी न्यूज हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पश्चिमी मीडिया को शालीनता से जवाब देता आया है और आज भी हमने ऐसा ही किया है। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत के प्रगतिशील आंकड़े बीबीसी सहित तमाम पश्चिमी मीडिया हाउसेज को अच्छे नहीं लग रहे, उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। हमें लगता है कि दुर्भावना से भरी इस सोच का करारा जवाब देना आज बहुत जरूरी था।